नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवी टीम ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग टीवी टीम ब्रॉडकास्ट में एक भी शेयर होल्ड करते हो तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी के नक्शा गेट के बारे में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और गाइस, मेरे से भी छोटे भाई से एक रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो चलिए बात करते हैं टीवी रेटिंग ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में। आज के दिन इस शेयर में हम लोग को जो ट्रेड करंट प्राइस देखने के लिए मिल रहा है 39.15 पैसे पर यह शेयर देखने के लिए मिल रहा है। 55 पैसे तक की बढ़त हम लोग को इस शेयर में देखने को मिलती है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। डे रेंज के बारे में बात करते तो ये शेयर हम लोग को 38 से लेकर 45 तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। कल के दिन के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इस शेयर में आप लोग को अभी भी जो शेयर होल्डर है काफी ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर, जो इसका शेयर का करंट जो शेयर का प्राइस है वो एक ही मोमेंटम में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले कुछ वीडियो से लगातार बताते हुए आ रहा हूँ कि इस शेयर में अभी आप लोग को इसी तरह का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा और इसी तरह की स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। या तो आप लोग को इस शेयर में काफी भारी भारी गिरावट देखने के लिए मिलेगी या फिर तो इस शेयर में आप लोग काफी एक तेजी तेजी देखने के लिए मिल जाएगी। आज जो रहेगा जो शेयर का करंट ऊपर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 46.10 पैसे पर। ये तो शेयर उसको अगर ब्रेकडाउन करता हुआ दिखाई देता है तो इस शेयर में आप लोगों को काफी ज्यादा तेजी देखने के लिए मिल जाएगी। या फिर 37.35 पैसे को अगर इस शेयर ब्रेक इस शेयर में हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है 37 के प्राइस पर, तो इस शेयर में आप लोगों को काफी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल जाएगी। 37 के प्राइस को ब्रेकआउट करता है तो इस शेयर का जो प्राइस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वो रहेगा 26 रुपए। 46 के प्राइस को ब्रेकडाउन करता है तो इस शेयर का जो प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा वो मिल जाएगा 57 रुपीज। हालांकि इस शेयर में अभी आप लोग को ट्रेड करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। मैं आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप लोग इस शेयर में आप लोग पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इस शेयर में अगर हम लोग बात करते हैं तो काफी रिस्की होने वाला है इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना। काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि इस शेयर का अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, तो शेयर 82 के प्राइस को टच करके इस शेयर का जो हम लोग को लो टच करते हुए दिखाई दे रहा है वो आ रहा है 37 का। 37 के प्राइस को ब्रेक डाउन कर देता तो मान के चलिए 26 तक यह शेयर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इस शेयर में रिस्क काफी ज्यादा है और प्रॉफिट इतना अच्छा आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलता। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग टीवी टीम ब्रॉडकास्ट पर अभी फोकस ना करके किसी दूसरे की तरफ फोकस करते हैं तो उसमें आप लोग को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत अच्छा होता है जब कोई वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो मैं मिलूंगा जल्दी आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। इस वीडियो में जितना कुछ बताया वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बताया है, मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोगों का पैसा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर ही इन्वेस्ट कीजिए।